ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके आसपास धन गड़ा हुआ है, यह आप एक मिनट में जान सकते हैं। मेरे जानकार कोई व्यक्ति थे, उनके पड़ोस में कोई रहने वाले व्यक्ति थे, उनके आग्रह करने पर मैं उनके यहाँ गया और धन उनके यहाँ घर में गड़ा हुआ है इसकी पुष्टि करने हेतु मैंने वहाँ पर कुछ क्रिया की और देखा कि धन गड़ा हुआ है और किस तरह वह धन निकलता है, किस तरीके से उसे काटा जाता है, किस प्रकार सर्प हटाया जाता है, ये सभी आज इस वीडियो में मैं प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। देखो, जहाँ पर धन गड़ा हुआ होता है, सर्वप्रथम तो आपको उस स्थान पर जाकर वहाँ पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, आपको संभावना हो रही है, आपको स्वप्न में दिखा है या किसी तांत्रिक ने, किसी भक्त ने आपको बता दिया कि अमुक जगह पर धन गड़ा हुआ है, तो उसकी पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर्वप्रथम तो आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप गंगा जल ले लीजिए और जितना वह स्थान है जहां पर आपको लग रहा है कि धन गड़ा हुआ है, वहां पर आप जल, गंगा जल मिलाकर आप छिड़क दीजिए। और मंत्र आपके पास है तो मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम ऐ पवित्रो पवित्रो वाग गतोम पुण्यवाग सर्वमंत्र सूची ही। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, ओम गंगा जमुना, ओम गंगा जमुना, ओम गंगा जमुना, ओम पवित्रो पवित्रो पवित्रो, ओम पवित्रो 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 करके आप गंगा जल जहां भी छिड़कते हैं वही पवित्र हो जाता है। गंगा जल अपने आप में पवित्र होता है, जहां पर छिड़के वहीं पर पवित्र हो जाता है। इसके लिए आप अपने जिस भी देवता को आप मानते हैं उसी के मंत्रों का, आप जो भी जिस भी देवता को मानते हैं उसी को मंत्र को बोलते रहें और वहां पर जल छिड़कते रहें, उस स्थान को बिल्कुल पवित्र कर ले। पहले वहां पर झाड़ पुआर कर उसको पवित्र कर ले, फिर गंगा जल छिड़क ले। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़ा, एक साफ स्वच्छ कपड़ा ले लीजिए, उस साफ स्वच्छ कपड़े को उस स्थान पर बिछा दीजिए जहां पर आपको धन की संभावना है। उसके बाद आपने लेनी है राई, ध्यान रखना राई आपने लेनी है, राई जो राई अचार में डलती है राई आपको लेनी है। और राई में आपको जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उसके मंत्र का जाप करते हुए उस राई में फूंक मारनी है। ये आपने उसमें जिस भी देवता का आप जिस भी को भी मानते, किसी को भी मानते हो, उसमें राई में आपको उसके नाम से लेकर फूंक मारनी है और उस राई को थोड़ी थोड़ी उस कपड़े के ऊपर आपको चारों ओर डाल देनी है। वह राई चारों ओर आपको डाल देनी है और कपड़े के चारों ओर ध्यान से अच्छी प्रकार से सारी फैला देनी है। इससे क्या होगा, यदि वहां पर धन गड़ा हुआ होगा तो अवश्य ही वह जो राई है उसको अगले दिन आप देखिए वह राई फटी हुई नजर आएगी, यानी कि वह फट जाएगी। तो हमने भी ऐसे किया, हमारे जो रिश्तेदार थे उनके पड़ोस में धन होने की संभावना थी, उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां जाने के बाद मैंने ये चीज पहले ही प्रत्यक्ष देख लेता कि वहां पर धन नहीं है, वहां पर धन नहीं है। लेकिन उन लोगों के जबरदस्ती कहने पर कि जी नहीं आप चेक करो चेक करो, तो मेरे कहने पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने प्रत्यक्ष उनको इसका प्रमाण दिखाया। इसको आप खुद भी जांच कर सकते हैं। तो वह राई वहां पर बिछा देनी है, इस प्रकार बिछा देनी कि रात्रि में कोई चूहा इत्यादि आकर उसे इधर उधर ना बिखरा दे। और राई को फैलाकर आप खुद भी इस काम को करें और सुबह के समय उस राई को देखें, यदि वह राई फटी हुई है तो अवश्य वहां पर धन गड़ा हुआ है, और यदि वह राई नहीं फटी हुई है तो आप समझ जाइए कि वहां पर धन नहीं है। ये धन होने के सबसे बड़ा अच्छा और सबसे अच्छा संकेत होता है, इसको आप करके देखिए। जय श्री राम।